इनके पास एक निजी कंपनी में भयंकर आग लग गई है। बताया जा रहा है कि जो आग लगी है वो ट्रांसफार्मर के पास रखे जो ऑयल के ड्रम होते हैं उसके कारण लगी है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि जो इस कंपनी में काम कर रहे थे 60 से 70 लोग थे, मजदूर थे, उनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जो जान माल का नुकसान है उसका भी पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो लगातार इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। आग जो लगातार अभी भी लगी हुई है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धुआं उठ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के बाहर जो कुछ गाड़ियां बाइक्स थी, कम से कम 3 से 4 गाड़ियां हैं बाइक थी जो वो इस आग की चपेट में आई है और पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे सामने कम से कम जितनी भी यहाँ पे बाइक्स वगैरह है, कुछ रिक्शा है, बाइक्स है, वो सारी इतनी बुरी तरीके से जल गई है। इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर लगी हुई है। लगातार फायर ब्रिगेड के अधिकारी इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्री है जैसा आप देख रहे हैं, भयंकर आग लग गई। आग भी ऐसी कि अभी भी आप देखेंगे पीछे जल रही है। जान माल की क्या हानि हुई ये तो समय बता पाएगा जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंदर जा पाएंगे। अभी वो बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा बता रहे हैं काम चल रहा था, लगभग 60 से 70 का स्टाफ था उस समय। तेल के ड्रम बता रहे हैं, तेल में कहीं आग लगी। ये सब चीज़ें तो जांच का विषय है, बाद में पता चलेगा। पर जो हादसा है ये बहुत भयंकर हादसा है और दुखद हादसा है यहाँ के। देखो, फरीदाबाद को हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं। लोग फरीदाबाद नगर निगम से लाइसेंस लेते हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं। जिस तरह की सुविधा हमारे फरीदाबाद में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए, निस्संदेह आज उसकी कमी कर रही है। आग बुझाने के लिए जैसे तेल बता रहे हैं, तेल में आग लगी, उसके जो संसाधन होने चाहिए वो नगर निगम की फायर ब्रिगेड सर्विस के पास नहीं रहे, उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें। और इसमें हरियाणा सरकार को, फरीदाबाद नगर निगम को निस्संदेह प्रयास करने चाहिए और साधन उपलब्ध कराने चाहिए। इस समय मौके पर दो हैं, स्थानीय लोगों ने भी इमीडिएट पहुँच गए, उन्होंने भी फ़ोन किया। हमें जब फ़ोन आया हमने भी फायर ब्रिगेड में फ़ोन करके गाड़ियाँ मंगाई यहाँ पर। पर जो संसाधन इस तरह की आग को बुझाने के लिए होने चाहिए उसकी कमी कर रही है। और हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि फरीदाबाद में जिस तरह की इंडस्ट्री है, जिस तरह के केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उसमें कभी भी इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको बुझाने के लिए संसाधन होने चाहिए। और सरकार जब स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बोलती है तो ये संसाधन उपलब्ध कराए। और कह रहे थे कि बंदे यहाँ फंसे हुए हैं, उसके हेल्प के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। इतने में तुरंत पुलिस वाले आ गए थे, 15-20 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए थे।